नाडियाडवाला, कबीर खान और उनकी सारी टीम और ये हमारे बच्चे जिन्होंने अदाकारी की है, जिन्होंने इतनी बहुत मेहनत और बहुत अच्छी कोशिश की है, जो कारनामा हम लोगों ने किया था 38 साल पहले वो रिक्रिएट हो रहा है, तो डेफिनेटली हम वेटिंग है कि कब ये देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जब आप खेलते हैं आपको पता नहीं चलता कि आपने क्या किया है, लेकिन जो किया है वो अभी देखने का सौभाग्य हमें मिल रहा है, तो बड़ी खुशी हो रही है। चिराग जी, कुछ कहना चाहेंगे आप कि हूबहू किरदार को करना मतलब कितना टफ होता है, कि अगर एक कैरेक्टर को लाया जाए कि ये करना है ठीक है, हूबहू पर्दे पर निभाना, ये कितना टफ हो जाता है चिराग जी के लिए? टफ तो था बहुत, लेकिन एक मुझे एडवांटेज भी था क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, तो थोड़ा सा जो स्टाइल है वो मैंने अच्छी तरह से बचपन से हर एक बच्चे का एक ड्रीम होता है ना अपने पापा जैसा बनना है, तो उनको देखते हुए वो एक स्टाइल मैंने इम्बाइब कर ली थी, तो उसका इस फिल्म में बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। तो और डिफ़िकल्ट पार्ट तो क्रिकेट रहा है, क्योंकि मैं कभी खेला नहीं हूँ क्रिकेट, तो मुझे स्क्रैच से सीखना पड़ा, और आई होप मैंने जस्टिस की है, क्योंकि इतना बड़ा नाम उनको रिप्रेजेंट करना, उनके फैंस इतने हैं तो वो डिसअपॉइंट नहीं होने चाहिए, और आजकल यूट्यूब की वजह से हमारे लिए मंगाया। आजकल यूट्यूब की वजह से हर वर्ल्ड कप के जो सब क्लिपिंग्स आपको देखने को मिलते हैं, तो इसलिए हमें वो एक एडिड प्रेशर था कि हर शॉट को अच्छी तरह से यू नो दिखाना, क्योंकि अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया तो पब्लिक बोलेगी अरे ये बराबर नहीं है, तो वो एक थोड़ा सा प्रेशर था, लेकिन मज़ा आया, पूरा प्रोसेस बहुत अमेजिंग था, माइंड ब्लोइंग प्रोसेस था। ईजी तो नहीं था बिल्कुल, लेकिन एक 8-10 महीना हमारी प्रैक्टिस चली, और कबीर सर की जो पूरी टीम है वो बहुत ही अमेजिंग है, और उनकी हेल्प से ये सब पॉसिबल हुआ, और ख़ास करके और एक मैं हमारे जो फैमिली फ्रेंड है चंद्रकांत पंडित, उनकी एकेडमी, उधर भी मैं जाता था, और हम लोग एक वीक पूरा एक एक शॉट डैड का प्रैक्टिस करते थे, तो वो प्रोसेस रहा है, अभी देखते हैं कैसा लग रहा है। बिल्कुल, 24 दिसंबर। आप आपसे जानना चाहूँगा एक बड़ी पर्सनालिटी के ऊपर आप कर रहे हैं, तो आप बताइए कि कितना प्रेशर था आपके ऊपर, क्योंकि जैसा कि मैंने बात की हूबहू दिखना, हूबहू शॉर्ट्स, जैसा कि सर ने बताया कि यूट्यूब पर आजकल वो गलतियाँ पकड़ ली जाती हैं। एग्जैक्टली, प्रेशर तो बहुत था, क्योंकि कैसे है ना, इस जो किरदार हम निभा रहे हैं, जो पर्सनैलिटीज़ है, संदीप सर, दिलीप एंसारकर, जो किरदार मैं निभा रहा हूँ कपिल, दीज पर्सनैलिटीज़ आर वर्ल्ड फेमस, उनकी बैटिंग स्टाइल, उनकी मैनरिज्म्स, उनकी बात करने की मैनरिज्म्स, ये पूरी दुनिया को बाय हार्ट है, दुनिया को पता है, तो जब हम ये किरदार निभाने जा रहे हैं तो वी कैन, देर इज़ नो रूम फॉर एरर, वी कैनॉट गो रॉन्ग, बिकॉज पब्लिक जैसे आपने कहा कि बहुत बारकाई से देखने वाली है, और इस उसके लिए ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत थी, हमें अच्छी ट्रेनिंग मिली। आई थिंक कबीर सर हैड प्लान्ड अ फैंटास्टिक वे टू ब्रिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम अस, वी वर ट्रेन्ड बाय बलविंदर सांधू, हमने ऑलमोस्ट साल भर ट्रेनिंग की, ऑलमोस्ट अ ईयर वी वर ट्रेनिंग फॉर क्रिकेट, 8-9 months वी वर ट्रेनिंग, उधर भी शूटिंग के टाइम भी उधर ट्रेनिंग साइड में चालू ही थी, और हाँ मतलब और ट्रेनिंग के वक्त, हाँ मतलब वी आर ऑल एक्टर्स, वी आर नॉट एथलीट्स एट द एंड ऑफ द डे, बट वी आर ट्राइंग टू बी एथलीट्स, सो ऑब्वियसली इंजरीज भी हुए सबको, एवरीवन, मुझे टेनिस एल्बो हो गया था, चिराग को भी शायद टेनिस एल्बो था और भी कुछ था उसको, सो इट्स देयर कॉकटेल ऑफ इंजरीज दैट वाज देयर विद एवरीवन, बट आई थिंक दैट वाज द ब्यूटी ऑफ इट, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट वी ऑल केप्ट ऑन गोइंग, बिकॉज आई थिंक दैट एनर्जी, दैट पैशन वाज ट्रिकलिंग डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉप ऑर्डर, फ्रॉम कबीर सर, रणवीर, ये सब, इनकी पैशन, इनकी एनर्जी वाज रियली बाइंडिंग अस टुगेदर, एंड आई थिंक दैट translated that spread into the team, and that is going to translate onto the celluloid. Yeah. You know,